आज मैं वीडियो कर रहा हूँ अबाउट मीडियन। मीडियन का मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ फॉर ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। ये है ग्रुप डेटा की एग्जांपल है, ग्रुप है ना, तो ये डेटा ग्रुप डेटा के लिए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें, वो कहते हैं हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, किसका, स्टूडेंट्स का, वेट है पाउंड्स में, वेट है पाउंड्स में। आप ये ना समझिए कि 110 114 किलो का हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ऐसे नहीं है, इतने मोटे बबलू स्टूडेंट्स नहीं है हमारे पास। हमारे पास ये जो स्टूडेंट्स हैं 110 114 ये जो पाउंड्स में वेट लिखा हुआ है। अब हमारे पास ये देखिए कहते हैं 110 से 110 मतलब 110 से 114 के रेंज में, इतने पाउंड्स की रेंज में हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं। 115 से 119 की रेंज में 12 स्टूडेंट्स हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है ना कि इस कैटेगरी के अंदर इतने बंदे आ रहे हैं। अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो हमें पता है जो इसका फार्मूला होता है, मीडियन फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है। सबसे पहले आप लिखा करें फार्मूला, आपको समझ आ जाएगी फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फार्मूला होता है एल प्लस एच बाई एफ और एन बाई टू माइनस सी, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में हमने प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि ये जो L होता है, ठीक है, ये L हमारे पास होती है लोअर क्लास बाउंड्री। मैं इसकी आपको दिखाता हूँ, प्रीवियस लेक्चर मैंने जो दिया था उस पर, उसमें मैंने लिखा था L लोअर क्लास बाउंड्री, H क्लास इंटरवल, जो लोअर क्लास बाउंड्री का क्लास इंटरवल, F फ्रीक्वेंसी, C प्रिसीडिंग फ्रीक्वेंसी, F सी एफ। तो इस हिसाब से जो हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम और ड्रा करेंगे हम, एक कॉलम होगा हमारे पास किसके लिए, क्लास बाउंड्रीज़ के लिए, ठीक है। क्लास बाउंड्री ये तो वेट क्लास है ना, अब क्लास तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्लास बाउंड्री, तो हम बनाएंगे एक कॉलम क्लास बाउंड्री के लिए और एक हमारे पास बनाएंगे सी एफ के लिए, ठीक है। ये हमारे पास सी एफ के लिए बन जाएगा। अब ये जो नए बनाए हैं ये हमें क्लास बाउंड्री है, और ये हमारा है सी एफ, ये हमारा है सी एफ। अब हमने सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज बनानी है, सी एफ में बाद में जाएंगे, हमें चाहिए क्लास बाउंड्रीज। सबसे पहले हमने क्लास बाउंड्री बनानी है। क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी, अब 110 और 114 की क्लास बाउंड्री मैंने पूरा एक लेक्चर डाला हुआ है, इस पर मैं एक क्लास बाउंड्री बनाऊंगा, बाकी पूरा लेक्चर है, आप लेक्चर फॉलो करके क्लास बाउंड्री बनाना सीख सकते हैं। ये जो है 115 मतलब इस ग्रुप के बाद, पहला ग्रुप के लिए बनाना है, इस ग्रुप के बाद जो आने वाला नेक्स्ट ग्रुप है उसकी लोएस्ट टर्म, उसकी मतलब लोअर लिमिट, दैट इज़ 115 क्लास बाउंड्री के लिए। 115 को इसकी हाईएस्ट टर्म से माइनस करना है और डिवाइड कर देना है टू पे, ये आएगा 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 0.5, ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा क्लास बाउंड्री। इसको मैं लिखता हूँ, इसको माइनस करना है इससे और फिर डिवाइड कर देना है टू पे, तो ये 0.5 आएगा। अब इस 0.5 को इस 110 से माइनस करना है, यानी 110 माइनस 0.5 और इसमें ऐड करना है 114 प्लस 0.5, ये आएगा 109.5 और ये आएगा 114.5, ठीक है। ये हमारे पास होगी इसकी लोअर क्लास बाउंड्री, ये होगी अपर क्लास बाउंड्री, ये होगी लोअर क्लास बाउंड्री पहले ग्रुप की, दैट इज़ 109.5। अपर क्लास बाउंड्री हमारे पास इसकी हो जाएगी 114.5, ये इसकी लोअर क्लास बाउंड्री एक होगी, एक होगी अपर क्लास बाउंड्री। सेम सारे कैसे करें, इसी 0.5 को इसमें से भी माइनस करें, इसमें ऐड कर दें, या 114 को आगे लिख दें, क्योंकि इक्वल क्लास इंटरवल है वही आएगा 114.5, इसमें ऐड कर दें 119.5, 0.5 ऐड किया तो 0.5 आ जाएगा ना, इसमें माइनस कर दें। पूरा एक लेक्चर मैंने लिंक नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको देख के, पूरा लेक्चर है इस पर, आप फॉलो कर सकते हैं क्लास बाउंड्रीज़ को। 124.5
यहाँ पे आएगा 129.5, यहाँ पे आएगा 129.5 और यहाँ पे आएगा 134.5। ये हमारे पास इसका आगे क्लास बाउंड्री, ठीक है। ये मैंने इसलिए सेपरेट पेन यूज़ किया कि ये हमने बनाना है, ख़ुद काम करना है। नेक्स्ट हमने बनाना है CF। अब CF कैसे बनाते हैं? CF बनाने के लिए जो सिंपल सा प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करें। ये जो है 5, सबसे पहले ग्रुप में 5 को ऐसे ही लिख दें, सबसे पहले ग्रुप में 5 को उठा के ऐसे ही लिख दें। अब इस 5 को उठा के हमने ऐसे ही लिख देना है। ये सेपरेट बनाता हूँ। ये मेरे पास है F, ये है CF। अब हमारे पास F है 512, 5 है, 12 है, 23 है और 64 है। अब हमने क्या करना है, इस 5 के अपोजिट इस 5 को यहाँ पे ऐसे ही लिख देना है, एग्जैक्टली सेम ऐसे ही लिख देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए मैं इसको सेपरेट सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पे इस दूसरे ग्रुप को बनाने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो मैं इस 5 को इस 12 में ऐड करूँगा। 12 प्लस 5 को ऐड करके रिज़ल्ट जो आएगा वो सेकेंड CF हमारे पास हो जाएगा। ये जो सेकंड CF हमारे पास हो जाएगा वो इसमें ऐड करके हो जाएगा। नेक्स्ट सारे इस तरह बनाने हैं। अब इस 17 को इसमें ऐड करना है, जो आएगा वो मतलब 23 प्लस 17 करना है तो ये आएगा 14। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 14। अब 14 को इसी 6 में, अगर आप इसके बीच में इस तरह लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख देते हैं, 14 प्लस 6 ये आएगा 46। अब हमारे पास इससे नेक्स्ट जो आ रहा है वो होगा, इसको 46 को इसमें ऐड करें, 46 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 50। और हमेशा याद रखें ये CF इक्वल होगा नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ के, ये फ्रीक्वेंसीज नंबर आप टोटल ऐड करेंगे ये 50, क्योंकि ये देखें ये ऐड हो रही है फ्रीक्वेंसी सारी की सारी। ये देखें 5 ना, 5 प्लस 12 17, 17 प्लस 23 40, 40 प्लस 6 46 50, ये सारा वही ऐड होके आ रहा है। अगर ये आपके पास इक्वल नहीं आ रही है तो दैट मीन्स आपकी CF में कोई मिस्टेक आ रही है, आपने कोई मिस्टेक बना दी है CF में। तो ये CF निकालने का तरीका है। ये जो CF मैंने निकाली थी वो सारी की सारी मैं इसमें लिख दूंगा। यहाँ पे आएगी मेरी CF 17, यहाँ पे मेरी CF आएगी 14, यहाँ पे CF आएगी 46, यहाँ पे CF आएगी 50, ठीक है। और ये ही इक्वल होगी N के। अब N हमारे पास आ गया 50। सबसे पहले आपने ये CF बना के क्लास बाउंड्री बनानी है, CF बना के अब उसके बाद क्या करना है, हमने N by 2 फाइंड करनी है। फाइंड करनी है इसकी N by 2 टर्म, दैट इज़ 50 डिवाइडेड by 2 विच इज़ इक्वल टू 25। अब 25 लाइज करना है हमने, 25 CF के कॉलम में देखना है 25 कहाँ पे लाइज करता है। 25 40 के अंदर लाइज करता है ना। अब ये देखिए 23 टू 40 आ रहा है फ्रीक्वेंसी, 23 टू 40 मींस इसके कॉलम में लाइज करता है, तो इस कॉलम को हमने पूरे के पूरे रो को हमने ऐसे मार्क कर देना है। ये रो हमारे पास वो है जिसको हमने टारगेट करना है, ठीक है। अब इस रो को हमने टारगेट करना है, इस रो पे सारा ऑपरेशन होगा। ये रो हमारी है मीडियन वाली रो, जिसके अंदर मीडियन आ रहा है, इस पूरी रो को हमने टारगेट करना है। अब हमारे पास देख लें, आपके पास नेक्स्ट फार्मूले के मुताबिक एल हमारे पास आना चाहिए। अब एल हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू इसका लोअर क्लास लिमिट, इसकी जो हमारे पास इसके अंदर ये वाला टारगेट ग्रुप आ रहा है ना, यानी हमारे पास मीडियन 119.5 और 124.5 में लाइज कर रहा है। मीडियन हमारे पास इन दोनों में लाइज कर रहा है, यानी मीडियन हमारे पास लाइज कर रहा है 119.5, 124.5 इसमें लाइज कर रहा है क्लास बाउंड्री में। इस क्लास बाउंड्री की हमने लोअर लिमिट लेनी है, ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है, ठीक है। अब लोअर लिमिट है 119.5, ये इसकी लोअर लिमिट है, इसी की मैं क्लास इंटरवल लूँगा। अब क्लास इंटरवल इसका क्या होगा, ये क्वेश्चन के अंदर आएंगे सारे। क्लास इंटरवल इसका इन दोनों को माइनस करेंगे, 124.5 माइनस 119.5, तो क्लास इंटरवल यानी कि एच हमारे पास इसका आ जाएगा
फाइव आ जाएगा, ठीक है, माइनस करेंगे दोनों में से, क्लास इंटरवल हमारे पास आ जाएगा फाइव। अब इसको हमारे पास इसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी लेनी है। अब फ्रीक्वेंसी के लिए मैं फिर टेबल पे जाऊंगा, इसमें देखें इसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है 23, यही टारगेटेड ग्रुप है ना, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी 23। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं वो सारी की सारी मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। हमारे पास इसकी लोअर लिमिट एल हमारे पास आएगी 119.4 और एच हमारे पास जो इसकी आएगी क्लास इंटरवल वो आएगी 5, फ्रीक्वेंसी इसकी आएगी 23। बट हमारे पास एक चीज़ और भी होनी चाहिए, वो चीज़ क्या है, वो है हमारे पास इसकी सी। अब सी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सी पे सब आप आगे कन्फ्यूज़ होते हैं। ये जो टारगेटेड ग्रुप है ये है सी एफ, मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखा था कि ये जो सी एफ वाला ग्रुप है इसके जो पहले जो कॉलम है इससे पहले कॉलम में जो हमारे पास सी एफ आ रही है वो इक्वल होगी सी के, ठीक है, यानी कि ये कॉलम जो है रो है इसको छोड़ के इससे पीछे वाली रो जो है उसमें जो हमारे पास आएगी सी एफ वो एक्चुअली सी के बराबर होगी। तो यहाँ पे 17 है तो सी हमारे पास होगा 17। तो मैं फार्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूँ सारी की सारी। हमारे पास मीडियन बराबर होता है, मीडियन के लिए थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया बट मीडियन अब टॉपिक ही ऐसा है, एल प्लस एच और डिवाइडेड बाय एफ और इसके बाद है एन बाय टू माइनस सी। अब एल हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, जो सारी वैल्यूज़ निकाली हैं 119.5 प्लस एच है हमारे पास 5, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 23, ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 23। अब एन बाय टू हमारे पास है 25th आया ना, एन बाय टू का रिजल्ट 25th, माइनस सी हमारे पास कितना है 17। ये सारे को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा जो 121.5 LB पाउंड्स में इसका मीडियन आ जाएगा, यानी कि जो स्टूडेंट्स का एवरेज वेट हमारे पास आ जाएगा, जो मिडल वेट आएगा, मिडल इस सारे की मिडल वेट आएगा वो आएगा, एवरेज तो और मीन होती है, ये इसका मिडल वेट जो आएगा सब स्टूडेंट्स को जब डेटा कोड सेंडिंग ऑर्डर में करके लिखेंगे ना, 110 से 134 तक लोअर लिमिट ये है, अपर ये है ना, लोअर अमाउंट ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के, तो हमारे पास जो उसकी 121.5 जो आएगी इसकी मीडियन आएगी, 121.5 इसकी मीडियन आएगी, ठीक है। हमने क्या किया, एल की, एच बाई एफ की, एन बाई टू माइनस सी की फार्मूले। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपको फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिख के अब फार्मूले में जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें हैं हमें चाहिए हैं, एल चाहिए है, एल हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है, हमें वेट क्लास, ये क्लास हमें दी हुई है, ये क्लास है, अब क्लास दी हुई है, हमारे पास क्लास बाउंड्री नहीं है, हमने इस क्लास से क्लास बाउंड्री निकालनी है, क्लास बाउंड्री निकालने का प्रोसीजर आपको पता है, फिर सी एफ निकालने का प्रोसीजर हमने सीखा, फिर हमने निकाली है एन बाई टू टर्म, एन बाई टू टर्म 25 आ रही है, 25 इसमें लाइज करती है, 40 के अंदर लाइज करती है, 70 और 40 के बीच में लाइज करती है, तो इसको हमने क्या किया, टारगेट किया, इसमें ही हमने लोअर क्लास लिमिट इसकी लेनी है, इसी का क्लास इंटरवल लेना है और इसी की फ्रीक्वेंसी भी लेनी है, और सी, ये सी एफ वाला जो कॉलम है, ये वाला रो है, इससे पिछली रो में जाके हमने सी लेनी है, फार्मूले में पुट करनी है, आपके पास इसका रिजल्ट आ गया है। आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कहीं समझ नहीं आ रही हो टॉपिक की, पूछना हो तो आप प्लीज़ 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 कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।